केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। चुनाव का समय है और बिहार में भी इस वक्त चुनाव की जोरों की तैयारी हो रही है और बिहार में इस वक्त नगर निकाय के तीसरे चरण के चुनाव हैं। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता के साथ वीना देवी भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी के प्रतिनिधि कुणाल से बातचीत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जो वार्ड नंबर 11 बांका नगर परिषद बांका जिला से है, तो आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं कि किन विकास के लिए, किस प्रकार के विकास के लिए चुनाव में उतरे हैं, क्या कुछ बदलाव करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में। आइए एक नजर डालते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार। बिहार में चुनावी दंगल चल रहा है। तीसरे चरण का मतदान होना है नगर निगम का और प्रत्याशी दमखम के साथ मैदान में हैं, एक दूसरे को शहर मार कर खेल देने के लिए तैयार हैं। अभी हमारी पूरी टीम बांका जिला में है और वार्ड नंबर 11 में और यहाँ पे जो मेरी मुलाकात हुई है यहाँ के जो भावी वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं वीना देवी और उनके प्रतिनिधि कुणाल जी से मुलाकात हुई, इनसे ही जानते हैं ये चुनावी मैदान में क्यों आई हैं और क्या क्या काम करना चाहती हैं। क्या नाम है मैम आपका? वीना देवी। आप चुनाव क्यों लड़ रही हैं? जनता की सेवा के लिए। अब हम बात करते हैं इनके पुत्र कुणाल जी से। कुणाल जी, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। नहीं, आपकी माताजी चुनावी मैदान में आई हैं। हाँ, क्या कारण है? जनता का सेवा के लिए। यहाँ पे नल जल का बहुत सुविधा कम है। अच्छा, यहाँ पे समस्याएं क्या क्या है? बहुत सारी समस्या है। जैसे कि दो तीन समस्याएं बताएं। पानी का समस्या है जी, रोड का समस्या है जी, वृद्धा पेंशन का समस्या है जी, आवास का समस्या है जी, हर चीज का समस्या है। जनता के सेवा के लिए हम लोग तैयार है। अगर आपकी माताजी को यहाँ की जनता वार्ड पार्षद का ताज पहनाती है तो इनके तरफ से जनता के लिए क्या क्या काम होगा? 5 ऐसे काम बताएं जिसको प्राथमिकता देंगे। सबसे पहले तो हर घर नल जल योजना होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। उसके बाद शौचालय का भी हर घर में होना चाहिए जी। आपका ये जो हुआ आवास के लिए, इंदिरा आवास के लिए, जिसका घर नहीं है उसके लिए जरूर रहे हम खड़े जी। हर घर के सामने नाला होना चाहिए जी, नाला साफ सफाई होते रहना चाहिए जी, एनी टाइम एकदम उसके लिए खड़े रहे हम। अब हम बात करते हैं, मैम महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे? महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसके लिए सुरक्षा के लिए उसके लिए सबसे पहले उसका शौचालय सबसे पहले सब बहुत जरूरी है जी। शौचालय उसके लिए बहुत जरूरी है जी। आगे बढ़ाना और उनको अपने पैरों पर भी खड़ा करना है, कैसे? उसके लिए हाँ, छोटा छोटा उद्योग लगा के। हाँ, छोटा छोटा उद्योग लगा के सर उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है। अब हम बात करते हैं, नीता आपने तो बताया कि छोटे छोटे उद्योग लगा के महिलाओं को प्रबल बनाएंगे, सशक्तिकरण करेंगे, यहाँ पे नाले की सफाई होनी चाहिए, नाला की व्यवस्था करेंगे, सड़क की व्यवस्था देंगे, आवास योजना देंगे, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, और एक आध काम बताएं जो आपने सोचा है कि आते के साथ करेंगे। आते के साथ काम, हाँ, एक आध काम बताएं जो आपने सोच रखा है कि जब हम जीत के आएंगे तो इसको सबसे पहले करेंगे। इनका कहना है, सबसे पहले सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे वार्ड में बहुत जगह हर घर नल जल योजना का बहुत सारा समस्या है जी, और नाले का भी बहुत सारा समस्या है। तो सबसे पहले मैं मैदान में उतरते साथ सबसे पहले मैं वही काम करूंगा, समस्या का निदान जरूर करेंगे उसके लिए जी। अब हम बात, हाँ बोलिए। और उसके बाद भी जिस बूढ़े वृद्ध को पेंशन नहीं है उसके लिए, जो विकलांग है उनके लिए तत्पर रहेंगे कि हम तत्पर रहेंगे एकदम। एक सवाल और, यहाँ की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? यहाँ की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि ईमानदार रहे, अच्छे से काम करें, अच्छे नागरिक को जिताए, ये नहीं कहे कि हम ही को जिताए, अच्छे नागरिक को जिताए, देख के जिताए, जो आगे नहीं किया है वो आगे करने वाला होना चाहिए, जो आगे आके घर पे मिलना चाहिए, एनी टाइम उसके सपोर्ट में रहे, बस आप यही कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल कुमार है। आपके प्रत्याशी का नाम क्या है? मेरा प्रत्याशी का नाम श्रीमती वीना देवी। आपने देखा जो हमारे प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि ये जो भी काम करेंगे वो निस्वार्थ भाव से करेंगे, घुसखोरी नहीं होगी,
भय मुक्त समाज बनाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, और सबसे बड़ी बात बाल विवाह जैसा जो एक ये है उस पर रोक लगाएंगे। अपने वार्ड में जहाँ जहाँ शौचालय, इनको पता है कि शौचालय नहीं है, वहाँ पे शौचालय का निर्माण करेंगे, जिससे यहाँ की जनता मतलब परेशान ना हो, इधर उधर गंदगी ना फैलाए, इसके लिए शौचालय का निर्माण होगा, सड़क का निर्माण होगा, नाले की सफाई होगी, जहाँ पे नाला नहीं पहुँच पाया वहाँ तक नाला पहुँचाएंगे। और जनता को इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया, स्वच्छ छवि के लोगों को आप चुने, जो स्वच्छ छवि का लोग है, जो आपके पास मतलब आसानी से मिल सके आप उनको चुने, बाकी देखते हैं जनता इनको कहाँ तक समर्थन करती है, क्योंकि जनता मालिक है, जनता भगवान है। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ, धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।